तो अश्वत्थामा से कहता है दुर्योधन कि हमें और तो कोई कष्ट नहीं, एक ही कष्ट है, हम 100 भाई थे एक नहीं बचे, पांडव 5 भाई थे एक नहीं मरे। अश्वत्थामा बोला चिंता मत करो, हम अभी जाते हैं, सिर काट कर लाते हैं ताकि तुम्हारे मन को संतुष्टि हो जाए। देखो भगवान जो करते अच्छा करते, कैसे? इधर पांचों पांडव जब विजय प्राप्त करके युद्ध से वापस लौटे तो भगवान बोले सुनो भाई पांडव, हाँ आज की रात हम लोग यहां नहीं सोएंगे, जहां युद्ध स्थल में टेंट लगाता वहीं सब सोते थे, आज यहां नहीं सोएंगे। पांडव बोले क्यों? बोले आज तो विजय हो गए हैं, जीत गए हैं। भगवान बोले बोले आज कहीं और चलते हैं, विजय की रात्रि में धूम मचाते। पांडव बोले ठीक है। पांडवों के साथ भगवान पांडवों को दूर ले गए। पांडव के 5 पुत्र थे जो दिखने में पांडवों के जैसे ही थे, वो उस पांडवों के स्थान पर सो गए। इधर अश्वत्थामा ने क्या किया? अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों से लड़ना तो बेकार है, क्योंकि इतनी बड़ी सेना नहीं टिक पाई तो हमारा टिकना मुश्किल है, तो कैसे जीता जाए? उलूकन न्यास विधि से। उलूकन न्यास विधि का मतलब है कि सोते हुए शत्रु पर हमला करना। रात को पूरे पक्षी सो रहे थे, उल्लू ने जाकर के हमला कर दिया, कौवा मारे गए, क्योंकि कौओं को रात को दिखाई नहीं देता, उल्लू को रात को दिखाई। यही विधि अपनाई किसने? अश्वत्थामा ने। पांडवों के पुत्र सो रहे थे, उनको पांडव मान करके अश्वत्थामा ने पांचों के सिर को काट दिया, 5 बालकों को मार दिया, और 5 बालकों को मार करके उनके सिर को लिया और ले आकर के दुर्योधन के सामने कहा देख मित्र, तू एक सिर कह रहा था, हमने 5 काट दिए। पहले तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह जो महाभारत में आज तक नहीं हुआ वो कर दिया तूने, नजदीक लाओ नजदीक लाओ। लेकिन जब गौर से देखा तो ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र है। चिल्ला पड़ा दुर्योधन, अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या किया? क्यों? पांडव पुत्रों को ही मार दिया, इन्होंने क्या बिगाड़ा था, ये तो बच्चे हैं, इनको मारकर तूने मेरे घर में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और चिघाड़ता हुआ दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा को पता लगा कि पांडव जीवित हैं तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा भागा। सुबह हुई, देखो भगवान जो भी करते अच्छा करते, ना भगवान पांडवों को ले जाते ना पांडव जिंदा बचते। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमारे साथ भगवान ने बड़ा उपकार किया। भैया भगवान ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, भगवान जो करते अच्छा करते, भगवान कभी बुरा नहीं करते। हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, क्या कोई पिता ऐसा होगा जो अपने पुत्र या पुत्री को दुखी देखना चाहे? आप लोग हो ऐसे? कोई ना कोई माँ पिता तो है ही है। क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे दुखी रहें? यस नो नो। तो फिर ठाकुर जी तो परम पिता है, और हम लोग उनके बच्चे हैं, ये कब चाहेंगे कि हम दुखी रहें? ये तो हमेशा हमें प्रसन्न रखना चाहते, लेकिन हम ही इनके नहीं होना चाहते। हम लोग माया में इतने फंसे कि गोविंद को भूल जाते, भगवान की कथाएं भूल जाते, कीर्तन करना भूल जाते, डिस्को डांस में ठुमका लगाते, पार्टियां करते, रातों भर झूमते। हद तो ये हो गई, तिलक लगाने में शर्म है, मेकअप खराब हो जाएगा, राम राम बोलने में शर्म है। विचित्रता तो देखो, धन्य है हम तो भारत में ही समझते थे कि यहाँ सनातन की बाढ़ है, और धन्य है इस इंग्लैंड की ये धरा, यहाँ भी सनातन की कृपा है, सनातन की महिमा है। और हम आज दिन में दरबार में मोदी जी को धन्यवाद दे रहे थे, धन्य है मोदी जी, आप वहाँ भारत में एक मोदी जी हैं और यहाँ आप हैं, वाह क्या कहना, यहाँ के आप प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ ऐसा राम मंदिर आपने बनाया है इंग्लैंड की इस धरा पर कि इस राम मंदिर में सबको राममय कर दिया, क्या कहना भैया। तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। भगवान ने कृपा की, पांडव बच गए। सुबह हुई, मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहम
मृत वत्सार तारो दिम्य श्रोमुखी मुह। आहा, क्या कहना है। रोने लगी द्रौपदी। प्रातः काल अपने बच्चों के शरीर को कटा हुआ देखा तो आंखें भर आईं। रो पड़ी, चिल्ला पड़ी द्रौपदी। अर्जुन भागे भागे आए। क्या हुआ देवी? देखो नाथ, किसी ने हमारे बच्चों को मार दिया। कितनी बेरहमी से मारा के सिर काट दिया। चिंता मत करो। अर्जुन ने अपना धनुष बाण लिया और प्रण लिया, द्रौपदी जब तक हम अपने बच्चों के मारने वालों का वध नहीं कर देंगे तब तक जल का पान नहीं करेंगे। आहा, भगवान गए कृष्ण को लेकर के। अर्जुन और कृष्ण रथ पर बैठे अश्वत्थामा को ढूंढने लगे। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे भगवान का रथ। अश्वत्थामा ने भगवान को आते हुए देखा तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन घबरा गए। भगवान बोले, घबरा क्यों रहे, तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, छोड़ो। तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए तो अश्वत्थामा से कहा कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो, वरना भयंकर टकराव होगा, पृथ्वी में तूफान आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। तो अश्वत्थामा ने कहा कि हम चलाना तो जानते हैं पर खींचना नहीं जानते, और ज्यादातर लोगों की यही गति है, जिंदगी जी रहे हैं पर जीना नहीं जानते, जिंदगी जी रहे पर जीना नहीं जानते। और बहुत से लोग ऐसे, एक हमारे शिष्य थे टिल्लू गुरु, उन्होंने गाड़ी ली पर चलाना नहीं जानते। और हद तो ये हो गई, टिल्लू गुरु ने गाड़ी ली तो वापस आए अपनी ससुराल से। हमने पूछा, क्यों गाड़ी कैसी है? बहुत महंगी है, 40 लाख की है। हमने कहा, चल कैसी रही? बोले, बेकार है। अरे, हमने कहा बेकार क्यों? अरे बोले, फेल है। अरे, हमने कहा फेल क्यों? अरे बोले, खराब है। हमने कहा खराब क्यों? अरे बोले, किसी काम की नहीं। अरे, हमने कहा किसी काम की क्यों नहीं? अरे बोले, जाने के लिए तो इन्होंने 5-5 गियर दिए, आने के लिए एक ही गियर दिया। कई लोगों की जिंदगी ऐसा ही है। कई लोग अपनी जिंदगी में प्रयोग ही नहीं ठीक से जानते। लोग, हम लोग समझते हैं, तुम लोग, हम तो कई बार हंस करके, बड़ा हमें बुरा लगता है जब युवान बच्चे ये कहते हैं कि जिंदगी पैसा जीने दो, अभी हम जवान हैं, खेलने खाने दो। हमें लगने लगता है ठठरी के बरे, नक काटा कल मोहा। तुझे भगवान ने सिर्फ खाने पीने के लिए जिंदगी दी, भगवान ने तुझे मस्तक पर तिलक लगाने के लिए, गोविंद का गुण गाने के लिए जिंदगी दी। हाथ दान देने के लिए दिए, पांव तीर्थ घूमने के लिए दिए हैं, मंदिर दर्शन के लिए, आंखें संतों के दर्शन के लिए दी हैं, कान गोविंद की कथा सुनने के लिए दिए हैं, और जीभ गोविंद का भजन करने के लिए दिए हैं। और फिर भी तुम ना करो तो तुम्हारे बराबर, हमारे बराबर इस संसार में कोई भी मूर्ख नहीं है। बोलो सीताराम, पागलो। इसलिए सावधान हो जाओ, गोविंद के नाम के पागल बन जाओ। आप कहोगे कि सबको पागल बना रहे गुरु जी, तो पागल का मतलब मेंटल नहीं है, पागल का मतलब है प्रभु के चरणों को पाकर के जो गल जाए उसी का नाम पागल। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो रोने लगी तो अर्जुन जैसे ही गए, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, भगवान बोले अर्जुन से कि तुम भाई वापस करो, उनसे भाई साहब से तो बनता नहीं है। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस किया, उनसे कहा कि भाई वापस नहीं करते बनता, कहीं मोड़ दो। तो दिशा मोड़ दी उसकी, बोले दिशा मोड़ देंगे, दिशा ही मोड़ दो, दिशा मोड़ दी। अश्वत्थामा को बांधा रथ में, भगवान बोले यहीं बध कर दो। बोले नहीं नहीं, द्रौपदी के सामने। अर्जुन द्रौपदी के सामने लेकर आए, मारने के लिए तलवार निकाली तो द्रौपदी ने रोक दिया, मत मारो। क्यों? अरे देवी, क्यों ना मारे इसे? तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया, तुम कह रही मारो मत। बोले नाथ, भले ही 5 पुत्रों का वध किया पर ये गुरु का पुत्र है, इसके पिता तो महाभारत में मारे गए,
तो वैसे भी इसकी माँ विधवा हो गई, और अगर ये भी मर जाएगा तो माँ पर क्या बीतेगी। और पुत्र के जाने का और मरने का गम अगर कोई जानती तो सिर्फ माँ जानती। इसलिए मत मारो नाथ, मत मारो। युधिष्ठिर जी ने भी कह दिया हाँ मत मारो अर्जुन, और अर्जुन भी मान गए कि नहीं मारना है। लेकिन भगवान तो कम कौत की नहीं है। ठाकुर जी बोले अर्जुन जी तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि जलपान बाटर भी नहीं पिएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, अब क्या करोगे। अर्जुन बोले अब और आफत। अर्जुन भगवान की तरफ देख के बोले आप ही कुछ बताओ। भगवान बोले हम क्या बताएं, हम तो ध्यान करवा रहे हैं। अर्जुन बोले ध्यान ही करवाते रहोगे कुछ बताओगे। बोले नहीं नहीं कुछ बताएंगे नहीं, तुम ही देखो। अर्जुन बोले जय हो तुम्हारी। बोले कुछ तो बताओ। भगवान बोले भी सुविचित्र बोले, क्या बोले। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारणा। सुनो अर्जुन, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए कैसा भी हो, नहीं मारना चाहिए। लेकिन तब तक क्या बोले, आतताई बधारणा। बोले जो आतताई होता है ना उपद्रवी, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन बोले जय हो। भगवान बोले क्यों। बोले जब भी बोले टेढ़ा ही बोले, आज तक सीधा नहीं बोले तुम। एक कुछ बताओ मारिए के छोड़िए, डबल डबल मत बताओ, एक कुछ बताओ मार दे के छोड़ दे। बोलो मार दिया जाए। एक कुछ बताओ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बोलो कन्हैया इसके साथ में अब क्या किया जाए। तो भगवान तो बड़ी कौतुकी है। भगवान बोले आतताई बधारणा ब्रह्म बंधुर न अंतव्य। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए पर आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आह क्या करें। लेकिन अर्जुन भी कम नहीं थे। अर्जुन भी बोले सुनो महाराज चुप रहो अब मत बताओ, गीता का उपदेश हमने ही सुना है, हम भी तुम्हारे ही चेला हैं। बोले आपने गीता में कहा है कि माननीय व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए, सम्माननीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु के बराबर है। माननीय व्यक्ति जो सम्माननीय नाम वाला व्यक्ति होता है ना उसे मारना नहीं चाहिए, उसका अपमान ही मृत्यु के बराबर है। बोले सरकार आइए आपके ही हम शिष्य हैं। और फिर किया क्या, अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी, उस मणि को निकाल लिया अर्जुन ने। मणि को निकाल करके अश्वत्थामा को धक्का दे करके बाहर कर दिया।